दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे लेके आऊँ टेनिस के रिगार्डिंग पोस्ट मैच टेनिस पर वीडियो। दोस्तों जो वीडियो लेके आऊँ वो जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रैंड स्लैम में, वो जो अभी तक एक मैच नहीं हारे ग्रैंड स्लैम में इस साल, वो है राफा नदाल द गोट, वन ऑफ द लेजेंड इन द टेनिस हिस्ट्री। और आज लेजेंड और गोट को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि फ्रैंकस डीफॉय के दिमाग में कुछ और ही इरादा था। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है राफा नदाल को हरा के, शानदार प्रदर्शन किया राफा नदाल के सामने। मुझे उम्मीद थी जैसा फोरसेट चल रहा था कि राफा नदाल आसानी से जीत जाएंगे, बट फ्रैंकस डीफॉय ने तो क्या शानदार प्रदर्शन किया, लाजवाब प्रदर्शन किया। अगर ऐसा प्रदर्शन करते रहे तो उन्हें ट्रॉफी जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता ग्रैंड स्लैम में। शानदार प्रदर्शन किया फ्रैंकस डीफॉय ने, वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों इसी रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आया हूँ, ATP रैंकिंग 3 वर्सेस ATP रैंकिंग 325। वैसे देखा जाए उनकी रैंकिंग 22 है सीडेड प्लेयर और राफा नदाल की सीडेड प्लेयर थी 2 रैंकिंग। दोस्तों उसी रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आया हूँ। बढ़ने से पहले एक बार आपको फिर से बता दूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि दोस्तों सारी की सारी अपडेट्स आपको मिल सके। अब बढ़ते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस के पहले सेट की। दोस्तों पहले सेट की शुरुआत करें तो एकदम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा राफा नदाल की तरफ से भी और फ्रैंकस डीफॉय के भी तरफ से भी, शानदार प्रदर्शन रहा। 1-1 रहा, 2-2 रहा, 3-3 रहा। 3-3 के बाद डीफॉय का थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन हुआ, उन्होंने राफा नदाल की सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा। फिर राफा नदाल ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 4-5 हुआ। एंड जब सर्विंग फॉर द सेट कर रहे थे 40-love हो गया था, 3 सेट पॉइंट्स थे, 2 सेट पॉइंट्स को सेव कर लिए राफा नदाल ने, पर तीसरे सेट पॉइंट को फाइनली फ्रैंकस डीफॉय ने कन्वर्ट किया और पहला सेट जीते 6-4 से। सेकंड सेट की शुरुआत करें तो सेकंड सेट में भी अच्छा रहा दोनों का प्रदर्शन, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-4। जैसे ही 5-4 था तो राफा नदाल लीड कर रहे थे। अब फ्रैंकस डीफॉय थोड़े प्रेशर में थे क्योंकि वो सर्विंग टू स्टे इन द सेट कराए थे, अभी सर्विस गेम ब्रेक हुई नहीं थी, बट वो सर्विंग टू स्टे इन द सेट कराए थे, थोड़ा प्रेशर होता ही है और यही प्रेशर वो झेल नहीं पाए राफा नदाल के सामने और अपनी सर्विस गेम ब्रेक कर बैठे और राफा नदाल इस बार जीते 6-4 से। पहला सेट हारे थे फ्रैंकस डीफॉय से 6-4 से। अब पहला सेट का मतलब उन्होंने सेकंड सेट में सेम स्कोर के साथ कर लिया, 6-4 से जीते हैं। अगर थर्ड सेट की बात करें तो थर्ड सेट दो काबिले तारीफ रहा, थर्ड सेट और फर्स्ट सेट रेप्लिका रहा फ्रैंकस डीफॉय के लिए, क्योंकि पहला सेट भी 6-4 से जीते, सेकंड सेट भी 6-4 से जीते। पहला सेट में 3 दिन के बाद सर्विस गेम ब्रेक की, सेकंड सेट में भी 3 दिन के बाद ही सर्विस गेम ब्रेक की, 1-1, 2-2, 3-3 हुआ तो सर्विस गेम ब्रेक की, 4-3 किया, 5-3 किया, फिर 4-5 हुआ सर्विंग टू स्टे, सर्विंग फॉर द सेट कराए थे और वो रिटर्न कर रहे थे कि सेव कर ले ये वाला सेट पॉइंट सेट, क्योंकि अगर ये वाला सेट सेव कर लेते हैं तो वो लीड से जाते हैं राफा नदाल, और अगर सेव नहीं कर पाते हैं तो वो डाउन हो जाते हैं बाय 1 सेट इन द थर्ड। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डीफॉय ने सर्विंग फॉर द सेट करे थे और सर्विंग फॉर द सेट अच्छे से की और जैसा पहला सेट था वैसा ही सेट रहा, थर्ड सेट भी वो 6-4 से ये वाला सेट भी जीता। अगर चौथे सेट की बात करें तो फोर्थ सेट भी कमाल कर रहा है, शानदार प्रदर्शन किया फोर्थ सेट में भी, राफा नदाल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और फ्रैंकस डीफॉय ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। शुरू में तो राफा नदाल ने अच्छा प्रदर्शन किया, 1-1 हुआ, फिर राफा नदाल ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 2-1 किया राफा नदाल ने, फिर फ्रैंकस डीफॉय की सर्विस गेम ब्रेक कर दी, 3-1 हुआ। जैसे ही 3-1 हुआ सबको लग रहा था कि राफा नदाल इजिली जीत गए हैं, क्योंकि एज ए प्लेयर जैसी वो उनकी उपलब्धि है तो सब सोच सकते हैं कि जीत गए, बट स्पोर्ट्स में कभी कुछ हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अच्छा नहीं खेला, अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे थे बट इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना फ्रैंकस डीफॉय कर रहे थे, और फ्रैंकस डीफॉय ने अपना लेवल और ज़्यादा रेज कर दिया, क्या शानदार प्रदर्शन किया। 1-3 से डाउन थे अगेंस्ट वन ऑफ द गोट इन द टेनिस और उनके खिलाफ भी हार नहीं मानी, पहले अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, फिर राफा नदाल की सर्विस गेम ब्रेक की, 3 किया, फिर अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, फिर राफा नदाल की सर्विस गेम फिर से ब्रेक की, 8 बार उनकी सर्विस गेम ब्रेक हुई थी, उन्होंने राफा नदाल की 3 बार सर्विस गेम ब्रेक कर दी, लगातार 5 गेम्स जीते और 6-3 से फोर्थ सेट जीता और उनका ये जो सेट था थर्ड सेट जीता बेस्ट ऑफ 3 में जीत गए। पहले 2 बार जो मैचेस हुए थे वो राफा नदाल जीते थे, इस बार मैच जीत गए हैं फ्रैंकस डीफॉय, फ्रैंकस डीफॉय मैच जीते हैं 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 से, लाजवाब प्रदर्शन रहा। फोर्थ सेट में तो दीवाना ही हो गया फ्रैंकस डीफॉय का, क्या प्रदर्शन किया, 1-3 से डाउन राफा नदाल के आगे और 6-3 से वही वाला सेट जीत रहे हैं, 5 गेम्स लगा था जीतना, बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। अब दोस्तों फ्रैंकस डीफॉय चाहेंगे कि ऐसा बढ़िया प्रदर्शन वो क्वार्टर फाइनल में भी करें। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले यूएस के वो एंडी रोडिक 2004 के बाद
64 पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जो यूएस के पहुंचे हैं क्वार्टर फाइनल में, तो चाहेंगे बढ़िया प्रदर्शन करना। अब क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी कोई भी वैसा प्लेयर नहीं है या जिसने अभी तक जीता है यूएस ओपन, तो इस बार भी हमें यूएस ओपन में नया प्लेयर मिलेगा। यूएस ओपन में मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि प्लेयर ज़्यादातर जो नए चैंपियन है वही बनते हैं, बाकी ग्रैंड स्लैम में लगता है पुराने बन जाते हैं, जैसे राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, एंडी मरे बन जाते थे, बट इस बार नहीं होता था। नोवो जोकोविक देखिए कितनी देर से विंबलडन जीत रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, बट बाकी ग्रैंड स्लैम में पता नहीं क्या है कि वो उसमें ज़्यादातर बन जाते हैं, बट ये वाले ग्रैंड स्लैम में ऐसा इतनी आसानी से नहीं हो पाता। बीच में फ्रेंच ओपन में भी हुआ था एक दो बार, बट इतना नहीं हुआ था जितना फ्रिक्वेंटली यूएस ओपन में होता है। और इस बार भी नया चैंपियन देखने को मिलेगा, रॉजर फेडरर जब से बैट टू बैट जीते हैं तब से कोई भी नहीं जीता बैट टू बैट। डैनियल मेडवेडेव जीत सकते थे बट डैनियल मेडवेडेव भी नहीं जीते। उसके बाद डोमिनिक थीम, वो भी पिछला अपना ग्रैंड स्लैम खेले थे तो जीते थे, 2021 में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो वो भी पहले राउंड से बाहर हो गए। दूसरी ओर देखा जाए राफेल नडाल भी विनिंग स्ट्रीक पे आ रहे थे, 2022 में भी विनिंग स्ट्रीक थे, यूएस ओपन की भी विनिंग स्ट्रीक थी क्योंकि लास्ट टाइम में 2019 में खेला था, बट इस बार वो हार गया। तो देखा जाए सारे जो फार्मर या डिफेंडिंग चैंपियन थे तीनों के तीनों हार गए, राफेल नडाल, डोमिनिक थीम और डैनियल मेडवेडेव। दोस्तों अब स्टैट्स को नजर डालें तो स्टैट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं फ्रेंकस्टी फोर की ओर से, 20+ एसीज ली और डबल फॉल्ट ओनली 4 की। दूसरी ओर राफेल नडाल के इस बार अच्छे नहीं रहे हैं स्टैट्स, एसीज 9 लिए इट्स फाइन, बट उन्होंने डबल फॉल्ट भी नोट किए तो वो सही नहीं है। उसके बाद ब्रेक पॉइंट देखा जाए, ब्रेक पॉइंट सिर्फ 2 बार कन्वर्ट कर पाए हैं राफेल नडाल फ्रेंकस्टी फोर की सर्विस। और दूसरी ओर देखा जाए फ्रेंकस्टी फोर ने 5 बार सर्विस उनकी कन्वर्ट की है, उसमें से 3 बार सर्विस कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हुए, 3 बार ब्रेक पॉइंट सेव कर लिए राफेल नडाल ने, बट 5 बार सर्विस कन्वर्ट करना राफेल नडाल के सामने बहुत बड़ी उपलब्धि है। वेल डन फ्रेंकस्टी फोर, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर टी फोर ऐसा प्रदर्शन करते हैं तो क्वार्टर फाइनल का ग्रैंड स्लैम में भी आसानी से जीत जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कैसा होगा अगला मैच, आप बताएं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ढेर सारा प्यार देते रहो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।